कार आज हम लोग शुरू करेंगे। इंडस्ट्रियल लेबर का फर्स्ट लेक्चर हुआ था जिस पर ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया के बारे में चर्चा हुई थी। उसे कौन कौन से बाधाएं थी उस पर चर्चाएं हुई थी। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह है भारतीय श्रम संघों को सशक्त बनाने के लिए कौन कौन से सुझाव हैं, सजेशंस हैं, उस पर हम चर्चा बारी बारी से हम करेंगे। तो आप यह समझ लें कि भारत में श्रम संघों की स्थिति में सुधार लाने के लिए समानतया निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं। फर्स्ट, नीड फॉर यूनिटी, यानी एकता की आवश्यकता। भारत में श्रम आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता श्रम संघों में एकता की है। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर अनेक श्रम संगठन हैं। वास्तुतः यह श्रम संघ आंदोलन की कमजोरी का परिचायक है। इस समय यदि श्रम संघों को सशक्त बनाना है तो राष्ट्रीय स्तर का केवल एक श्रम संगठन होना चाहिए और उद्योग स्तर पर बीबीगिरी के सुझाव के अनुसार एक उद्योग का एक श्रम संघ को स्वीकार करना चाहिए, तभी सशक्त श्रम संगठन की कल्पना की जा सकती है। अगला है नीड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। सशक्त श्रम आंदोलन के लिए श्रमिक जाति, धर्म, भाषा, प्रांतीय आदि के आधार पर विभाजित नहीं होने चाहिए। श्रमिकों को शिक्षा देनी चाहिए कि अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भी उनका एक वर्ग है और उसमें एकता नहीं टूटनी चाहिए। अगला जो बिंदु है, इनक्रेज्ड मेंबरशिप, सदस्यता का विस्तार। श्रम संघों की शक्ति उनकी सदस्यता पर निर्भर होती है, इसलिए श्रमिक नेताओं का प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक श्रमिक संघ का सदस्य बने। प्रायः जिस श्रमिक की स्थिति अच्छी होती है और जिसे अपने मालिक से सामान्य रूप से कोई शिकायत नहीं होती, वह अपने वर्ग हित को न समझकर श्रम संघ कर सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं होता। इसी प्रकार काफ़ी संख्या में श्रमिक केवल उदासीनता के कारण श्रम संघों के सदस्य नहीं बनते, इसलिए श्रमिकों में वर्ग चेतना पैदा की जानी चाहिए। इस प्रकार श्रम संघों की सदस्यता बढ़ा सकना संभव होगा। छात्रों, अगला जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वो इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति में सुधार। अधिकांश भारतीय श्रम संघों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। सदस्यता कम होने के कारण आर्थिक साधन भी थोड़े होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त श्रम संघों के सदस्य भी नियमित रूप से चंदा नहीं देते। इस स्थिति में सुधार आवश्यक है।
जिन श्रमिकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनमें वर्ग चेतना जागृति कर उन्हें यह समझाया जाना चाहिए कि श्रम संघ को दिया जाने वाला चंदा किसी अन्य व्यय से कम आवश्यक नहीं है। अगला बिंदु है पेड एम्प्लॉयज, वैतनिक कर्मचारी। श्रम संघों के दफ्तर में नियमित रूप से काम हो इसके लिए वैतनिक कर्मचारी की नियुक्ति आवश्यक है। जो लोग बिना किसी वेतन के श्रम संघ के कार्यों को करने के लिए तत्पर होते हैं उनका उत्साह कुछ ही समय में ठंडा पड़ जाता है और फिर वे जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते। अतः श्रम संघों को आवश्यकता अनुसार वैतनिक कर्मचारी नियुक्त करने चाहिए। हड़ताल कोष, जिसे हम स्ट्राइक फंड कहते हैं। अगला पॉइंट है श्रमिकों को संभवतः सबसे प्रभावशाली अस्त्र हड़ताल है, जिसके द्वारा वे अपने नियोजकों को दबाकर अपनी मांगे पूरी करवा सकते हैं। परंतु हड़ताल में जहां पूंजीपतियों को हानि होती है वहां श्रमिकों को भी बहुत कष्ट उठाना होता है। सामान्य भारतीय श्रमिक के पास बचत कर सकने की क्षमता नहीं है और इसलिए लंबी हड़ताल के समय श्रमिकों को भूखमरी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनका मनोबल सहज ही टूट जाता है और हड़ताल असफल हो जाती है। अतः श्रम संघों को हड़ताल कोष का निर्माण करना चाहिए। उन्हें श्रमिकों से थोड़ा थोड़ा चंदा निरंतर लेते रहना चाहिए और लंबी हड़ताल के समय उसे सदस्यों की सहायता करनी चाहिए। छात्रों, अगला जो बिंदु है क्रिएशन ऑफ वेलफेयर फंड्स, कल्याण कोषों की स्थापना। अब तक भारत में श्रम संघों ने कल्याण कार्यों की अपेक्षा की है, इसलिए श्रमिकों के साथ उनका संबंध अस्थायी नहीं रह पाता। अनेक श्रमिकों को तो श्रम संघ के अस्तित्व का ज्ञान ही उस समय होता है जब मालिक के विरुद्ध कोई संघर्ष प्रारंभ होता है। यह स्थिति ठीक नहीं है। श्रम संघों को सदस्यों के परिवारों की चिकित्सा, रात्रि शिक्षा, मनोरंजन तथा अन्य कल्याण कार्यों में दिलचस्पी लेनी चाहिए और इसके लिए कल्याण कोषों का निर्माण किया जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन। लोकतंत्रीय प्रणाली में किसी भी वर्ग की सफलता उस समय तक संदेहजनक होती है जब तक कि जनमत उसके समर्थन में न हो। इसलिए श्रम संघों को चाहिए कि अपने प्रचार कार्य के द्वारा समाज के अन्य वर्गों को भी अपनी नीतियों और मांगों के औचित्य से अवगत कराएं। इससे पूंजीपतियों के साथ संघर्ष के समय उन्हें जनसाधारण का समर्थन मिल सकता है और सरकार भी हस्तक्षेप कर उनकी मांगों को पूरा करने के लिए नियोजकों पर दबाव डाल सकती है। छात्रों, इस तरह से श्रम संघ आंदोलन की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चाएं
भारत के संदर्भ में हुई, जो 100 साल पहले का इतिहास से यह परिलक्षित होता है कि अभी भी जितनी जागरूकता, जितना प्रगति, अपने अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, उतना श्रमिक वर्ग नहीं है, जिसके फलस्वरूप नियोजक, श्रमिक और सरकार में सामंजस्य का अभाव दिखता है। इसलिए देश का विकास श्रमिक संघों का सफल एवं उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि श्रमिक भी अपने कर्तव्य के प्रति उत्तरदायी हो, अधिकार का भरपूर प्रयोग करें, जागरूक हो, तभी श्रमिकों का जीवन सफल और सार्थक हो सकता है और उद्योग भी अच्छे ढंग से संचालित होंगे, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव उद्योग पर पड़ेगा, उसके उत्पादन पर पड़ेंगे, अधिकतम उत्पादन के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय भी हमारी प्रभावित होगी, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजकोषीय वित्तीय स्थिति समृद्ध होगी। इसलिए चहुमुखी विकास के लिए ये सारी बातें आवश्यक है, और आज के क्लास में हम लोग इतना ही चर्चा करने के बाद ये निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो बाधाएं हैं, उसको दूर करने के लिए जो भी सुझाव दिए गए हैं, उस पर वर्तमान समय में भी पहल करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।